hello everyone and welcome back to the YouTube channel Supermoto Mode. In this video I am going to tell you about warming up your engine. So इसमें हम बताने वाले कि आप कैसे अपने इंजन को वार्म अप कर सकते हो एंड हाउ इट शुड बी डन, वो भी हम आपको बताने वाले हैं. तो यू कैन चेक इट आउट इन द बाइक गाइस. जब आपका इंजन कोल्ड रहता है तो उस टाइम में क्या होता है, आपका जो सारा इंजन ऑयल रहता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट नीचे का पार्ट तो सही रहता है लेकिन ऊपर का जो ये पार्ट रहता है यहाँ पे ऑयल नहीं होने की वजह से, अगर आप ऑन करके लाइक गाड़ी जब ठंडा रहता है ऑन करके ज़्यादा रेव करते हो उस टाइम में क्या हो जाता है, इस जगह पे बहुत ही फ्रिक्शन रहता है जब आप वार्म नहीं करते हो गाड़ी को. तो उस टाइम में यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होने का वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है. लाइक इंजन में आपको पावर बहुत ही कम मिल सकता है, आपका हॉर्स पावर बीएचपी कम हो सकता है, तो आपको परफॉर्मेंस उतना नहीं मिल सकता है इन लॉन्ग टर्म जो आपको अभी नया गाड़ी में मिल रहा है. तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप बाइक को ऑन करोगे जब मॉर्निंग को या फिर जब आपका गाड़ी ठंडा रहता है उस टाइम में जब आप बाइक को ऑन करोगे, आप इसको ऑन करोगे ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं करोगे. लाइक दो तीन मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको. सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस. दो तीन मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको. जब आपका गाड़ी कोल्ड रहता है, मेरा थोड़ा गर्म है अभी भी, तो जब आपका पूरा कूल रहता है बाइक तो उस टाइम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो रेव है वो इंक्रीज़ हो जाता है. लाइक 3000 to 4000 तक हो जाता है, ये ऑटोमेटिक रहता है, आपको कुछ मैनुअली नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है. देन उसके बाद आपका जो बाइक है दो तीन मिनट के बाद हीट हो जाएगा, आपको कभी भी ऐसे रेप नहीं करना है. एंड जब आपका गाड़ी हीट हो जाएगा देन यू आर गुड टू गो, आप इजीली आराम से जा सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.